उत्तराखंड की हम बात करें तो ये राज्य काफ़ी विषम परिस्थितियों का है, और सबसे बड़ी यहाँ की जो समस्या है वो है मानव वन्य जीव संघर्ष। इस संघर्ष को लेकर हमेशा जो है वन महकमे द्वारा मंथन तो किया जाता है, मगर समय समय पर जो है वन कर्मियों को प्रशिक्षण देना भी ज़रूरी होता है। और यही वजह है कि आज जो है मोतीचूर रेंज में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। क्या ये प्रशिक्षण कार्यक्रम है, किस तरह की यहाँ प्रशिक्षण दिया जाता है, हमारे साथ जो है मोतीचूर रेंजर आलोक जी हैं, उन्हीं से जानते हैं। आलोक जी, क्या कहेंगे आप, किस तरह की ट्रेनिंग है, क्या ये एक दो दिन की ट्रेनिंग यहाँ पर चल रही है जो जनरली मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को फोकस करते हुए, क्योंकि ये एरिया थोड़ा सेंसिटिव है हमारा, और इसके आसपास के जो रेंज हैं जो सेंसिटिव हैं, जैसे हरिद्वार रेंज हो गई, हरिद्वार डिवीजन हो गया, रवासम है, वहाँ के सारे कर्मचारी आए हैं जो इस ट्रेनिंग को ले रहे हैं। ट्रेनिंग को टेक्निकल वे में कराया जाए, साइंटिफिक वे में, ताकि वो प्रैक्टिकली जब फील्ड में जाए तो इसको ईजिली कर पाए, जैसे इंस्ट्रूमेंट का इंस्ट्रूमेंट, तो ये चीज़ें पहले नहीं थी, तो ये चीज़ें आज सिखाई गई है। बहुत सारे लोगों को ऐसा भी था जो फॉरेस्ट गार्ड आए हैं जिन्होंने पहले ये सब नहीं किया था, तो सब लोग भी खुश है कि हाँ इस तरह की ट्रेनिंग होती रहनी चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल ही इम्पोर्टेंट होता है। तो कितना अहम मानती है, आज के देखें तो एक और जो है भीड़ का दबाव भी बढ़ चुका है, तो ऐसे में वन कर्मियों के सामने क्या समस्या आती है, किस तरह उन्हें टैकल करना होता है, कितना अहम मानती है? बिल्कुल, बहुत सारी समस्याएं आती हैं, क्योंकि पब्लिक के साथ हम लोगों का एक रिलेशन इस तरह का है कि हमें उनको भी देखना होता है और हमें अपनी वाइल्ड लाइफ को बचाना है। हम ये भी नहीं चाहेंगे कि पब्लिक भी नुकसान में रहे और हम वाइल्ड लाइफ को, क्योंकि हम एज ए यहाँ पर फॉरेस्ट ऑफिसर काम कर रहे हैं, तो हमारी उनकी प्रति भी एक ड्यूटी है कि हम उनकी सुरक्षा करें। तो इस तरह की ट्रेनिंग से, क्योंकि एक कंट्रोल बैलेंस बन जाता है कि आप किस तरीके से दोनों को कर सकते हैं फोकस, दोनों की सेविंग कर सकते हैं, दोनों को बचा सकते हैं, तो वो इस ट्रेनिंग में बताया गया है टेक्निकल वे। तो निश्चित तौर पर एक टेक्निकल वे में ये ट्रेनिंग दी जा रही है, खासतौर पर अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो तमाम ऐसी समस्याएं, अगर हम हाईवेज की बात करें तो कल ही जो है कोटद्वार और दुगड्डा के बीच जो हाथियों का एक झुंड आया था, तो पूर्व मुख्यमंत्री जो है स्वयं उसमें फंस गए थे। तो ऐसे नज़ारे यहाँ आम है, और यही वजह है कि वन कर्मियों की जो जिम्मेदारी है वो काफ़ी बढ़ जाती है, और यही वजह है कि उन्हें टेक्निकल रूप से ट्रेंड किया जा रहा है, ताकि एक ओर जो है मानव जीवन को बचाया जा सके, तो वहीं दूसरी ओर वन्य जीव संरक्षण व संवर्धन में भी अहम भूमिका निभाई जा सके।